गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम करें अपना चैप्टर 8, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। 8.1 और 8.23 में हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के सम किए थे डेसिमल फॉर्म में। आज हम कर रहे हैं डिवाइड के सम डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चे, इसके दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ, आपकी मर्जी है कोई भी मेथड फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके मैं दो तीन पार्ट्स करूंगी, यहाँ 18 सम्स हैं, मैं आपको 4 सम करके दिखा रही हूँ, ठीक है, अलग अलग टाइप की। चलिए इसका जैसे फर्स्ट सम दिया है मैंने, जिसकी स्टेटमेंट है 16.8 डिवाइडेड बाय 4। इसका फर्स्ट मेथड देखिए कैसे कर सकते हैं आप। 16.8 को हमने 4 से डिवाइड करना था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने अक्षरों के बाद पीछे से डेसिमल होता है उतनी जीरोस आ जाती है नीचे, या फिर हम ऐसे करते हैं नीचे जितनी जीरोस होती हैं ऊपर पीछे से उतने अक्षरों के बाद क्या लगाते हैं डेसिमल। यहाँ देखिए कितने अक्षरों के बाद डेसिमल है, ओनली 1 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो डेसिमल के यहाँ 10 के आ गए नीचे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10 आएगा, 2 डिजिट के बाद है तो 100, 3 के बाद है तो 1000, ऐसे हमारा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है बच्चे। तो 168 को हमने डिवाइड करना है 4 मल्टीप्लाई 10 से। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डिजिट से ही डिवाइड कर देंगे। आप 10 नहीं लोगे, अभी 40 से भी कर सकते हो, वो मेथड भी सही है, वो रॉन्ग नहीं होगा। आप क्या करो, सिंपल ही कर लो ताकि आपकी जो डिवाइड है वो सिंपल हो जाए। 168 को आप क्या कर लो, 4 से डिवाइड, 4 से 168 को डिवाइड करके आ गया हमारा 42। अब 42 तो इसको सॉल्व करके आया है, हमारा नीचे क्या पड़ा है डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर का 10 हमने वैसे लिख लिया। अब जैसे आपको बताया था नीचे जितनी जीरो है ऊपर उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे कितनी जीरो है और 1 तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड भी है, आप क्या कर सकते हो, सीधा डेसिमल फॉर्म को सीधा 4 से क्या कर लो डिवाइड, कितने पे किया 4 4 16। अब यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका आंसर, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर में डेसिमल, क्योंकि यहाँ डेसिमल दिया है। 8 को हम नीचे लिया है, फिर 4 2 8। बच्चे ये वाला मेथड भी सही है, ये वाला मेथड भी सही है, ठीक है। मैं आपको ये मेथड ज्यादा फॉलो करवा रही हूँ क्योंकि रिमेनिंग एक्सरसाइज में हम ये मेथड ज्यादा फॉलो करने वाले हैं। फिर इसके आगे मैंने किया है इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट थी, 173.4 डिवाइडेड बाय 12। अब पीछे से कितने अक्षरों के बाद डेसिमल है, ओनली 1 के बाद, तो नीचे कितने आ जाएंगे 10। जैसा कि मैंने बताया था सीधा 12 को क्या करेंगे हम 1734 से डिवाइड। देखो जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो क्या हुआ, 12 पे पहले 1 पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 53 आ गया हमारे पास, फिर 12 4 48, 5 माइनस करके 5 आए, ऊपर से मैंने ले लिया नीचे 4, फिर 12 4 48, फिर मेरे पास आ गया 6। मेरे को रिमाइंडर नहीं रखना, जब भी हम डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करेंगे हमारे पास रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो जैसा हमने पहले किया था 7th चैप्टर में, यहाँ पे मैंने क्या लगा ली 0 अपनी तरफ से, और यहाँ पे क्या लगा दिया उसका डेसिमल, ठीक है। अब किस पे गया 12 5 16। अब इसको इससे डिवाइड करके मेरे पास आ गया 144.5, ठीक है बच्चे। ये तो इसको इससे डिवाइड करके आया है 144.5, पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना बड़ा है नीचे 10। अब इसको भी खत्म करना है हमने डिनोमिनेटर वाले 10 को, उसको कैसे करेंगे, 1445 10 तो है ही हमारे पास। अब पीछे से कितने डिजिट है, 1 के बाद है ना डेसिमल, तो नीचे 10 के आ गया एक और, तो हमारे पास कितना बन गया 1445 100। अब कितनी जीरोस होगी टोटल हमारे पास, 2 जीरोस होगी। इट मीन्स अब हम आंसर में कितने अक्षरों के बाद डेसिमल लगाएंगे, पीछे से या आगे से, यस पीछे से लगाएंगे बच्चे डेसिमल। पीछे से 2 अक्षर काउंट करो 1 2, यहाँ क्या लग गया हमारा डेसिमल। अगर आपके पास डिवाइड करते हुए डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाए तो उसको आप इस फॉर्म में सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे चलिए इसके 9th पार्ट पे, 7.728 डिवाइडेड बाय 14। आपको पहले भी बताया था डेसिमल के बाद वाले डिजिट हम सिंगल सिंगल रीड करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने अक्षर है पीछे से 3, तो नीचे कितनी जीरोस आएंगी 1 के पीछे 3, यानी कि 1000। अब 14 को इससे सीधा डिवाइड करो, डिवाइड आप अपने रफ नोट पे कर सकते हो, रफ काम में कर सकते हो। डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया 552, किससे डिवाइड करना है, क्या रहेगा हमारा डिनोमिनेटर जो रिमेनिंग है 1000। अब कितनी जीरोस है नीचे 3, तो ऊपर भी कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 3 के बाद, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या हमारे पास 9.62 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ पे कितने अक्षरों के बाद डेसिमल है, 2 के बाद।
देखो बच्चे 32 को जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कैसे डिवाइड किया है, वैसे तो आपको डिवाइड बहुत अच्छे से सिखाई हुई है, फिर भी एक बार देखो। पहले क्या 3 96 आ गया, ऊपर से हमने नीचे क्या उतार लिया 2। अब 32 के टेबल में 2 नहीं आता तो ना जाने की 0 लग गई, ठीक है। फिर 2 वही, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक 0 हम अपनी तरफ से लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लग गया इसका डेसिमल। पर अब 32 के टेबल में 20 भी नहीं आता तो ना जाने की फिर 0 लग गई, ठीक है। तो 20 का क्या बन गया 200। अब 32 के टेबल में 200 तो आता नहीं तो किस पे गया 6 पे। जब 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 192। इसको सब्ट्रैक्ट करके आया 8। जैसा कि हमने डेसिमल लगाया है तो इसकी एक 0 हम अपने आप नहीं लेते हैं, 8 का बन गया 80। फिर गया 32 2 64, इसको सब्ट्रैक्ट करके आ गया 16। डेसिमल लगाया था फिर एक 0 अपनी तरफ से ले ली, किस पे गया 32 5 160। इसको इससे डिवाइड करके इतना आंसर आया है, पर वही डिनोमिनेटर में 100 अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है। तो जितना आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग कितना लगा दिया मैंने 100। अब देखो कितने अक्षरों के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इट मीन 4 जीरोस और आएंगे नीचे, ठीक है। आप कंबाइन भी कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई करके 1 के साथ 4 जीरोस 10,000 मतलब अलग से लिखना है, वैसे लिख सकते हो। अब 4 जीरोस मैंने और लगा दी 2 जीरोस के साथ, टोटल कितनी जीरोस हो गई मेरे पास 6 जीरोस। तो इट मीन अब मैंने ऊपर जब डेसिमल लगाना है कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद। डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इट मीन यहाँ पे क्या आएगा हमारा डेसिमल। अगर आपके पास डिजिट कम हो तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, हमेशा 0 लगा देते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4, जिसको करने के 2 मेथड थे, आप कोई भी मेथड फॉलो कर लेना बच्चे। इसके रिमेनिंग सम्स आप अपनी रफ नोटबुक पर पहले ट्राई करेंगे फिर फेयर पे, बाकी आपके पास आंसर की आएगी उससे अच्छे से मैच करनी है, फिर ही लिखना फेयर पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।